हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल। माई सेल्फ परमेश्वर सिंह। क्लास, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट लूप के इनसाइड राइट किए गए कोड के कुछ पार्ट को स्किप कर देता है और लूप को टर्मिनेट कर देता है। मीन्स लूप के अंदर जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है, ब्रेक स्टेटमेंट के बाद जितनी भी लाइंस लूप में लिखी होती हैं वह एग्जीक्यूट नहीं होती हैं और लूप वहीं से टर्मिनेट हो जाता है। देखिए एग्जांपल, मैंने ओपन किया पाइथन आईडीएलएस सेल और फिर मैंने चूज़ किया फाइल, न्यू फाइल, और अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ चूज़ किया डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल नेम इज ओके डॉट पी वाई। देखिए फाइल सेव हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर एक सिंपल कोड राइट करता हूँ, फॉर ए इन रेंज 1, और मैं 11 ऐड करता हूँ क्योंकि इसे मैं 10 टाइम्स तक चलाना है। ओके, तो अपर लिमिट मैंने 11 ऐड किया है। ओके, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ ए इंटू ए। ओके, और अब मैं इसे रन करता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और लास्ट में 10 का स्क्वायर। ओके, प्रिंट हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। देखिए, इफ ए इक्वल टू 5 देन ब्रेक। ओके, जैसे ही ए की वैल्यू 5 होगी ब्रेक स्टेटमेंट वर्क कर जाएगा और यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, मैं लूप के बाहर एक और स्टेटमेंट ट्राई कर देता हूँ, डन। ओके, देखिए अब मैंने इसे रन किया। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और डन। ओके, कैसे आ रहा है देखिए, यहाँ पर यदि ए की वैल्यू 1 होगी तो यह कंडीशन ट्रू नहीं होगी, मीन्स ए इक्वल टू 5 नहीं होगा तो ब्रेक स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा और यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। ओके, और फिर यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर होगा, फिर से इसी लाइन पर जाएगा और ए की वैल्यू हो जाएगी 2, और फिर से कंडीशन चेक होगा तो अभी भी ये कंडीशन फॉल्स है तो ब्रेक वर्क नहीं करेगा और यह स्टेटमेंट वर्क करेगा। ओके, तो फिर से 2 का स्क्वायर आ गया। ओके, और कंट्रोल यहाँ से फिर से इसी लाइन पर जाएगा और यहाँ पर ए की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। ओके, और अभी भी ये कंडीशन फॉल्स होगा, ब्रेक वर्क नहीं करेगा, ए वर्क करेगा स्टेटमेंट, इसलिए 3 का स्क्वायर आ गया। ओके, और फिर से कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा और अब ए की वैल्यू हो जाएगी 4, और यह कंडीशन अभी भी फॉल्स है तो ब्रेक वर्क नहीं करेगा और यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो 4 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर आ गया। ओके, और फिर से कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफर होगा, अब यहाँ पर ए की वैल्यू 5 हो जाएगी और अब देखिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ओके, क्योंकि ए इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके, ए की वैल्यू 5 हो चुकी है तो ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करेगा। जब ब्रेक वर्क करेगा तो कंट्रोल यहाँ से मीन्स लूप के अंदर से कंट्रोल ट्रांसफर होकर के लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, और यह जो स्टेटमेंट है ये वर्क नहीं करेगा। ओके, और लूप भी स्टॉप हो जाएगा, इसलिए प्रिंट डन प्रिंट हो जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी वर्क नहीं करेगा। ओके, तो इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। देखिए एक और एग्जांपल, मैं राइट करता हूँ यहाँ पर INT, सॉरी मैं पहले लूप राइट करता हूँ आई इन रेंज 4 टाइम्स तक। ओके, तो यहाँ पर मैं 1 और 5 ले लेता हूँ। ओके, तो ये 4 टाइम्स तो चलेगा। और अब मैं इसके इनसाइड इनपुट कराता हूँ नंबर, इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर इनपुट हो जाएगा और फिर मैं सेकेंड नंबर को भी इनपुट करता हूँ।
इंटर सेकेंड नंबर। ओके, देखिए मैंने दोनों नंबर को इनपुट कर लिया और अब मैं यहाँ पर राइट करता हूँ C असाइन A डिवाइडेड बाई B। ओके, और अब मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट क्वोटिएंट एंड C। ओके, और अब मैं इसे रन करता हूँ तो इसकी लिमिट थोड़ा और कम कर देता हूँ, 4 तक कर देता हूँ, तो अपर वैल्यू 4 हो जाएगी, तो टोटल 3 टाइम्स तक चलेगा, 1, 2, 3 तक। ओके, मैं इसे रन करता हूँ, देखिए यहाँ पर आ गया, इंटर फर्स्ट नंबर मैंने इंटर किया 5, सेकेंड नंबर मैंने इंटर किया 2। ओके, फिर से मैंने फर्स्ट नंबर इंटर किया 6, सेकेंड नंबर मैंने 3 इंटर किया, नेक्स्ट मैंने फर्स्ट नंबर 8 इंटर किया और सेकेंड नंबर मैंने 3 इंटर किया। देखिए यहाँ पर क्वोटिएंट प्रिंट हो रहा है, तो ये टोटल देखिए लूप 3 बार चला है, देखिए। ओके, देखिए और मैं इसे फिर से रन करता हूँ, देखिए मैंने इसे फिर से रन किया और इस बार मैं यहाँ पर 5, सेकेंड 2 एंड 4, 3 एंड मैंने 6 इंटर किया फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर मैंने 0 इंटर कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए एरर आ गया। ओके, यहाँ पर एरर आ गया और आप चाहते हैं कि एरर ना आए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कोड में चेंज करना होगा। इससे पहले इसकी चेकिंग हो जाए, इफ बी इक्वल टू 0, यदि b की वैल्यू 0 हो तो क्या हो जाए, ब्रेक। ओके, ब्रेक वर्क कर जाएगा। ओके, जैसे ही b की वैल्यू 0 होगी ब्रेक वर्क कर जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप चलेगा ही नहीं, मीन्स वहीं से एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा। मैं लूप के बाहर एक और लाइन प्रिंट कर लेता हूँ, डन। ओके, देखिए अब मैं इसे रन करता हूँ, देखिए मैंने इंटर किया 6, सेकेंड वैल्यू मैंने इंटर किया 2, देखिए रन कर गया, और सेकेंड टाइम मैं इंटर करता हूँ 5 और सेकेंड वैल्यू मैं 0 इंटर कर देता हूँ, देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैंने 0 इंटर किया लूप टर्मिनेट हो गया और डन प्रिंट हो गया। ओके, जैसे ही मैंने 0 इंटर किया ब्रेक ने वर्क किया और इसके बाद जो लाइन्स लिखी हैं ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, यहाँ से कंट्रोल सीधा डन पर ट्रांसफ़र हो गया और लूप टर्मिनेट हो गया। ओके, यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट कर सकता हूँ, डिवीजन बाई 0। ओके, एरर। ओके, देखिए इसे फिर से रन करिए। ओके, मैंने रन किया, देखिए यहाँ पर आ गया फर्स्ट नंबर 6, सेकेंड नंबर 4। ओके, अब मैं इंटर करता हूँ 7 और फिर 0, देखिए यहाँ पर आ गया डिवीजन बाय 0 एरर और फिर यहाँ पर देखिए डन आ गया लास्ट का। ओके, मींस जैसे ही मैंने बी की वैल्यू 0 इंटर की तो यह कंडीशन ट्रू हो गया और फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई और इसके बाद ब्रेक वर्क किया और यहीं से लूप टर्मिनेट हो गया और इसके आगे की जो लाइन्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। ओके, और सीधा कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के इस लाइन पर आ गया जो कि लूप से बाहर है। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर राइट की गई कोड के कुछ पोर्शन को स्किप कर रहा है और लूप को टर्मिनेट कर दे रहा है। ओके, तो ये हो गया ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड नॉर्मल लूप्स। अब देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड इन्फिनिट लूप्स। देखिए मैं एक इन्फिनिट लूप क्रिएट करता हूँ। ओके, मैं राइट करता हूँ ए असाइन 1 वाइल ए इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ ए की वैल्यू। ओके, और फिर मैं लूप से बाहर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक लाइन और प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट डन।
मीन्स प्रोग्राम डन हो चुका है और लूप से बाहर आ चुके हैं। ओके, यह एक इन्फिनिट लूप है क्योंकि इसमें मैं वैल्यू ए की इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। मैं इसे रन करता हूँ, देखिए मैंने रन किया, देखिए कंटिन्यूसली चल रहा है। ओके, क्योंकि मैं ए की वैल्यू अपडेट नहीं कर रहा हूँ। ओके, अभी इसको मैं टर्मिनेट करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस कर देता हूँ, देखिए टर्मिनेट हो चुका है। यदि आप चाहें तो इसमें ब्रेक स्टेटमेंट सेट कर दें, इफ ए इक्वल वन ब्रेक। ओके, देखिए एक ही बार चलेगा, मैं इसे रन करता हूँ, देखिए एक ही बार चला और फिर ब्रेक कर गया और डन आ गया। ओके, देखिए जैसे फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू वन है तो ये प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद इस पर आया, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट ने वर्क किया और लूप यहाँ से टर्मिनेट हो गया और फिर कंट्रोल इस प्रिंट पर आ गया और ये प्रिंट हो गया। ओके, या फिर मैं यहाँ पर कंडीशन सेट कर दूँ, जब तक ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा वन के तब तक ही चलेगा। ओके, ये प्रिंट होना है और फिर ए की वैल्यू यहाँ पर अपडेट करना है, ए प्लस वन। ओके, तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इन्फिनिट लूप है। देखिए देखिए मैंने रन किया, देखिए ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ओके, क्योंकि ये इन्फिनिट लूप है। अब देखिए कंट्रोल सी। ओके, देखिए क्योंकि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन तो ए की वैल्यू अभी तो वन है और फिर बाद में भी इससे बड़ी होती चली जाएगी, उससे छोटी नहीं होगी, तो कभी ये रुकेगा नहीं। ओके, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ओके, तो इसे मुझे स्टॉप करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ ए, जब भी मैं स्टॉप करना चाहता हूँ वही वैल्यू यहाँ पर एंटर करता हूँ, 10। जैसे ही ए की वैल्यू 10 हो वैसे ही क्या होगा, ब्रेक। ओके, तो अब मैं इसे रन करता हूँ, देखिए अब क्या हुआ, केवल 10 तक चला और जैसे ही उसकी वैल्यू 10 हुई, मीन्स लूप 9 टाइम्स तक चला और जैसे ही उसकी वैल्यू 10 हुई, यहाँ पर अपडेट हुआ, जैसे ही इसकी वैल्यू 10 हुई और यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गया और ये ब्रेक स्टेटमेंट वर्क किया और यहाँ से लूप टर्मिनेट हो गया। ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स मीन्स लूप के इनसाइड लूप। ओके ओके, मैं ऐड करता हूँ नेस्टेड लूप फॉर आई इन रेंज 1, 4। ओके, 5 कर देता हूँ क्योंकि 4 तक चले। ओके, फिर मैं ऐड करता हूँ एक और लूप इसके अंदर। ओके, देखिए लूप के अंदर मैं लूप ऐड कर रहा हूँ। ओके, जे इन रेंज 1, 5। ओके, और फिर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट जे, जे की वैल्यू मैं प्रिंट करता हूँ और फिर इस लूप से बाहर आकर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट आई और फिर मैसेज इट्स डन। ओके, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ प्रोग्राम डन। ओके, बिल्कुल मैं लूप से बाहर आ गया हूँ। ओके, दोनों लूप से बाहर। तो देखिए यहाँ पर यह जो लूप है इसका टोटल यह ये पूरा बॉडी है इस लूप का और इस लूप की बॉडी में केवल यह है। ओके, और यह मैंने जो राइट किया है यह इस लूप के बॉडी के अंदर आता है। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ। ओके ओके, देखिए ये रन हो चुका है, देखिए ये है इसका आउटपुट। देखिए फर्स्ट आया 1, 2, 3, 4, फिर आया 1, इट्स डन, फिर 1, 2, 3, 4, 2, इट्स डन, फिर 1, 2, 3, 4, 3, इट्स डन। ओके, फिर 1, 2, 3, 4, फिर 4, इट्स डन। ओके, फिर प्रोग्राम डन आ गया। ओके, देखिए कैसे वर्क कर रहा है इसमें, देखिए पहले यह लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। ओके, फिर इसके अंदर कंट्रोल आएगा, तो इसके अंदर जब कंट्रोल आएगा तो यहाँ पर एक और लूप है और अब ये लूप चलेगा। ओके, यहाँ पर जे की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी और फिर इस लूप के अंदर कंट्रोल आ जाएगा और इस लूप के अंदर है प्रिंट जे। ओके, जे की वैल्यू प्रिंट होगी, तो जे की वैल्यू क्या है, 1, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर
इसका कंट्रोल ट्रांसफर होगा फिर से इसी लाइन पर, ओके, और अब जे की वैल्यू हो जाएगी 2 और फिर से कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, ओके, अब 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर से कंट्रोल इस लाइन पर ट्रांसफर होगा और जे की वैल्यू हो जाएगी 3 और फिर से जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ओके, और फिर से कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा, अब होगी जे की वैल्यू 4 और फिर से कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा और 4 प्रिंट हो जाएगा और फिर से यहाँ पर कंट्रोल जाएगा, लेकिन यहाँ पर रेंज जो है वो 1 से 4 तक का ही है, ओके, मीन्स 5 अपर लिमिट है, तो 5 से 5 माइनस 1 मीन्स 4 तक चले गए, ओके, इसलिए अब यहाँ पर वैल्यू नहीं है, उसके रेंज से आउट जा रहा है, तो कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, मीन्स इस लूप से बाहर कंट्रोल आ जाएगा, इस लूप से बाहर कंट्रोल आएगा तो यहाँ पर है यह लाइन, ओके, प्रिंट आई इट्स डन, तो आई की वैल्यू क्या है अभी 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इट्स डन, ओके, जो यहाँ पर देखिए प्रिंट आ रहा है, देखिए ये इसका आउटपुट आ रहा है, ओके, तो जब ये 4 टाइम्स तक चला तो फिर क्या आया 1 इट्स डन, ओके, जब ये लाइन चल चुकी तो कंट्रोल अब यहाँ से ट्रांसफ़र होगा और इस लाइन में जाएगा, ओके, और यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ओके, फिर से कंट्रोल यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जे की वैल्यू फिर से हो जाएगी 1 और फिर से जे की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, ओके, फिर 2 प्रिंट होगी, फिर 3 प्रिंट होगी, फिर 4 प्रिंट होगी, ओके, और जैसे ही जे की वैल्यू 5 होगी कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा और इस पर आ जाएगा, ओके, और यहाँ पर प्रिंट होगा आई इट्स डन, तो आई की वैल्यू क्या है 2 इट्स डन, ओके, मीन्स यह आ जाएगा, ओके, तो इस तरह से प्रोग्राम रन कर रहा है, ओके, यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्रेक स्टेटमेंट का, मैं यहाँ रन करता हूँ इफ आई इक्वल टू 3, जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी यहाँ पर वर्क कर जाएगा ब्रेक, ओके, मीन्स जब आई की वैल्यू 3 होगी तो यह स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा, देखिए मैं इसे रन करता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम चला, सेकेंड टाइम चला, ओके, लेकिन देखिए थर्ड टाइम यहाँ पर नहीं चला, तो जे की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट नहीं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा, यहाँ पर देखिए प्रिंट नहीं हुआ, तो डायरेक्ट कंट्रोल ब्रेक से ट्रांसफ़र होकर के इस लाइन पर आ गया और यह लाइन चल गई और यहाँ पर आई की वैल्यू 3 थी और इट्स डन हो गया और यह प्रिंट हो गया, ओके, और फिर नेक्स्ट टाइम जब यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ इस लाइन में, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 4 सेट हुई और फिर से कंट्रोल इसके इनसाइड में आया, फिर से ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि आई की वैल्यू 4 है तो ये वर्क करेगा नहीं और फिर से जे की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है, देखिए, ओके, तो इस तरह आप समझ पाए होंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है काफ़ी क्लियरली। और अब देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के इनसाइड राइट किए गए कोड के कुछ लाइंस को स्किप करता है लेकिन लूप को टर्मिनेट नहीं करता है, देखिए कैसे, जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल कोड राइट किया फॉर ए इन रेंज 1 11, ओके, और प्रिंट ए, ओके, और मैं बाहर कुछ प्रिंट कर देता हूँ थैंक्स, ओके, और अब मैं इसे रन करता हूँ, देखिए मैंने रन किया, देखिए आया 1 2 3 4 5 10 तक, ओके, तो अब इसमें मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ इफ़ ए इक्वल टू 5, ओके, जैसे ही ए की वैल्यू 5 हो तो क्या हो जाए कंटिन्यू हो जाए, ओके, कंटिन्यू वर्क कर जाएगा, ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ, देखिए, ओके, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है लेकिन 5 नहीं है, फिर 6 7 8 9 10 है, ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट के यूज़ करने की वजह से जैसे ही यह कंडीशन ट्रू हो रहा है कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क कर रहा है और यह लाइन स्कीप हो जा रही है, ओके, यह लाइन स्कीप हो जा रही है, ओके, यहाँ पर यदि आप कुछ और भी लाइन प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं, ओके, मैं यहाँ पर कोई सिंपल मैसेज मैंने ऐड कर दिया, देखिए
अब मैं इसे रन करता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, देखिए वन प्रिंट हुआ, टू प्रिंट हुआ, थ्री, फोर, लेकिन देखिए फाइव यहाँ से गायब है। ओके देखिए सब है लेकिन फाइव नहीं है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे ही ए की वैल्यू फाइव हो रही है, कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क कर रहा है और यह दोनों लाइन स्किप हो जा रही हैं और प्रोग्राम का कंट्रोल, लूप का कंट्रोल इस लाइन पर ट्रांसफर हो जा रहा है। जैसे ही यह वर्क करेगा कंटिन्यू स्टेटमेंट, उसके बाद जितनी लाइन होंगी स्किप हो जाएंगी और लूप का नेक्स्ट इटरेशन आ जाएगा, मीन्स उसकी जो उसका जो कंट्रोल है फिर से इस लाइन पर ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पर ए की वैल्यू अब सिक्स हो जाएगी और अब चलेगा ये। ओके मीन्स आगे जो भी उसके इटरेशन है वो कंटिन्यू होंगे, लूप ब्रेक नहीं होगा, केवल कंडीशन ट्रू होने पर, जब कंडीशन ट्रू होगा तो उस समय पर उसके बाद जितनी भी लाइन्स होंगी वह स्किप हो जाएंगी, एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ओके तो आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है। तो आई होप कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट काफ़ी क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।